जिला बिलासपुर में जहां पर वन विभाग ने आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे, वहीं जिला बिलासपुर में लगातार आगजनी की घटनाएं हो रही हैं और इसमें लाखों रुपए की जहां वन संपदा नष्ट हो गई है, वहीं असंख्य जीव जंतु मारे गए हैं। हालांकि जिला बिलासपुर का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है जहां आगजनी की घटना न हुई हो। जिला बिलासपुर के स्वारघाट, श्री नैना देवी, घुमारवी, झंडूता और बिलासपुर के ऊपरी इलाकों में लगातार आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं और इसमें काफी नुकसान भी हुआ है। गत दिवस जहां पर विधानसभा क्षेत्र झंडूता के गांव ग्राड़ सहनी का करमचंद आग बुझाते हुए झुलस गया, वहीं बिलासपुर के शालू घाट के पास लगी आग के कारण चार ट्रक जल गए और उसमें लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। बढ़ते तापमान के साथ साथ प्रदेश के जंगलों में आगजनी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इन घटनाओं में प्रदेश के करोड़ों की वन संपदा जल कर राख हो चुकी है। वन विभाग और अग्निशमन विभाग अब बेबस नजर आ रहा है। वन विभाग ने आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए बड़े बड़े दावे तो किए थे, लेकिन विभाग इसके लिए लाखों रुपए भी खर्च कर मॉक ड्रिल भी करता है, परंतु अभी तक उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। बिलासपुर जिला में ही पिछले दिनों आगजनी से लाखों की वन संपदा का नुकसान हुआ है, तो वहीं असंख्य जीव जंतु मारे गए हैं। गौरतलब है कि 21 मई तक प्रदेश में फॉरेस्ट फायर के 82 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस फायर सीजन का सबसे बड़ा आंकड़ा है ये। मिली जानकारी के अनुसार हमीरपुर सर्कल के तहत 28 जगह जंगल आग की चपेट में आए। इसी तरह बिलासपुर सर्कल के तहत दाड़ला, नालागढ़, कुनिहार, बद्दी, कोहर, कुठार सहित 26 फॉरेस्ट बीट में आग लगी है, जबकि पिछले दिनों स्वारघाट के समीप डडराणा और ब्रह्मपुखर के जंगलों में भयंकर आग लगी थी। लोगों का मानना है कि सूखी हुई पत्तियों को आग लगाने से जंगल साफ हो जाते हैं और नई घास उगाती है, तो कई बार कुछ शरारती तत्व भी कई बार जानबूझकर जंगलों में आग लगाते हैं। विभाग समय समय पर लोगों को जागरूक तो करता है, लेकिन इसका फायदा नहीं देखने को मिल रहा है। ये प्रमुख कारण है आगजनी घटनाओं के। वहीं विभाग ने जंगल में लगने वाली आग पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट का सहारा तो लिया, लेकिन क्या विभाग के पास आग बुझाने के लिए पूरे संसाधन है? जंगल में आग लगने पर दमकल की गाड़ियां जंगल के बीच तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके चलते आग भयानक रूप ले लेती है। इस हालत से निपटने के लिए दमकल कर्मियों के पास छोटे अग्निशमन यंत्र हों ताकि उन्हें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचाया जा सके। अज साडा एक मेन टीचा जी, गवर्नमेंट नू गौर करने का काम है। गौर कोई नहीं कर रहा, इंसान भुखा मर रहा, पानी साढ़े चंगा दे विच आम बंदा पानी तड़फ रहा। साढ़े को सब कुछ पानी होंदे हुए भी अस अज पानी दे मुताज है। जंगलों के अग लगी भी सरकार का यह फर्ज बनता कि जीव जंतु जल रहे हैं, इन्हें पर किसी गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं जा रहा। आजकल जो हमें आग लगी घटनाएं जो देखने को मिल रही है, ये बहुत ही दुखनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन बहुत बड़े बड़े ये दावे करता था कि हमने इस पर काबू पा लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रतिदिन जो ये आग लगी घटनाएं जो देखने को जो हर जगह पे मिल रही है, चाहे वो नैना देवी विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे वो स्वारघाट हो, चाहे वो बिलासपुर का आसपास की जगहें हैं, प्रतिदिन हमें आग लगी घटनाएं देखने को मिल रही है तथा हम प्रशासन से यह मांग करते हैं कि इस पर जल्दी ही काबू पा लिया जाए। कहीं ना कहीं इससे वातावरण प्रभावित हो रहा है, जो जीव जंतु है वो कि उनकी जो प्रजातियां हैं वो लुप्त होने की कगार पर आ रही है। तो हमारा प्रशासन से यही मांग रहेगी कि इस पर जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई की जाए। अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो हम इस पर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा तथा पूरी NHAI इस आंदोलन में हमारे साथ रहेगी। आजकल फायर सीजन का दौर चला हुआ है, जंगलों में आग लग रही है, जंगलों के साथ साथ लोगों के रिहायशी इलाके हैं, उनकी घासनियां हैं, उनमें भी आग वहां से या उनके द्वारा फैलाई जा रही है या उसके थ्रू प्रोपेगेट हो रही है। तो मेरा लोगों से एक विनम्र निवेदन है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट तो फायर कंट्रोल मेजर्स में लगा हुआ है, कोशिश में हमेशा जहां भी फायर की जानकारी हमारे को मिलती है हमारी टीम वहां पहुंचती है। हमने एक हर एक रेंज में एक कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ है, जहां पे जानकारी जिनके फोन नंबर वगैरह हमने डिस्प्ले करके रखे हैं। हमारा डिवीजन में भी कंट्रोल रूम है,
तो जो फायर लगती है वो जानकारियां हमारे तक पहुंचती हैं इनके थ्रू। तो जैसे ही इनके थ्रू जानकारी हमारे तक पहुंचती है, हमारा कंट्रोल स्टेशन से जो है मैसेज फर्दर फील्ड में चला जाता है और वहां पे जो हमारे स्टाफ हैं अपने लोगों के साथ, जो फायर वॉचर हैं और जो हमारे नीचे स्टाफ हैं, जो वर्कर्स हैं, प्लस गार्ड, बीओ, रेंज ऑफिसर, ये सारे के सारे मुस्तैद हो जाते हैं, लग जाते हैं फायर को बुझाने में। लेकिन मेरे लोगों से एक ये अपील है कि अगर हम ऐसी कोशिश करें कि कम से कम आग लगे, क्योंकि आग लगने के बाद जो नुकसान होता है वो तो हो ही जाता है, फिर उसके बाद उससे उसको बुझाने का जो प्रक्रिया होता है वो शुरू होता है, उसको जितना नुकसान तो कुछ हमारा हो जाता है। तो क्यों ना लोगों के साथ मिलकर लोग इतना आगे आएं, सहयोग करें, आजू बाजू जहां पे लोग, जिनके रिहायशी इलाके हैं, जिनकी जमीनें हैं, वो आजू बाजू के लोग कोशिश करें, सहयोग करें कि आग, सहयोग इस तरह से करें कि आग ही ना लगने दें। अगर आग ना लगने देंगे तो हमारी जो नुकसान होती है वो बहुत कम हो जाएगा और लोगों का जो इससे समस्याएं होती है, इवन जो वातावरण में जैसे ही आग लगता है तो वातावरण भी और गर्म हो जाता है, तो इन चीजों से हमारे को निवारण होगा। तो मेरा एक विनम्र निवेदन होगा सभी लोगों से कि इसमें विभाग को ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें, क्योंकि सिर्फ विभाग के पास इतना मैन पावर नहीं है कि वो हर जगह पे फायर को कंट्रोल कर सके, क्योंकि जंगलों की आग बड़ी भयानक होती है और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि हम अपनी कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि जी आग कम से कम लगे, और इसके लिए लोगों का सहयोग अगर विभाग को मिलेगा तो विभाग इसके लिए आप लोगों का बहुत आभारी होगा। धन्यवाद।